सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? शुक्र लग भाई भाई का नाम क्या है? मोहम्मद अफजल खान। हम आपसे एक क्वेश्चन करेंगे इस्लामी का। जहन्नम के कितने दरवाजे हैं? सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई का नाम क्या आता है? मोहम्मद कैफ जलाली। वालेकुम सलामुअलैकुम। भाई सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद मुस्तफा। अच्छा, आपसे इस्लामी क्वेश्चन पूछना है। अरे सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? ठीक ठाक। अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। आपसे क्वेश्चन पूछना है। पूछें सर। इस्लामी पूछे पूछना है। आपसे इस्लामी क्वेश्चन पूछना है। जी जी पूछे। दे लेंगे जवाब। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। जहन्नम के कितने दरवाजे? जहन्नम के 7 दरवाजे। 8, सॉरी 8 दरवाजे। फिर भी सोच लें। 7 है। 7 है। 7 है। अच्छा, हजूर सल्लम ने बदतरीन औरत से कहा है? जहन्नम के कितने दरवाजे हैं? 7। 7। जहन्नम के कितने दरवाजे हैं? जहन्नम के 7। 7 दरवाजे हैं। जहन्नम के 2 हैं। हाँ जी, दो। तो मेरे सोच लें फिर। सोच ख्याल से 2 ही है या तो एक होगा। वो कौन सी औरत है, बदतरीन औरत है, जिसे हजूर सल्लम ने फरमाया ये बदतरीन औरत है? कौन सी औरत? जना करने वाले नहीं, बदतरीन औरत है। किस मतलब किस चीज के मतलब? औरत बदतरीन है, कुछ भी उसकी है मतलब? पर्दा पड़ते नहीं, वो तो आपने जवाब देना है। किस अलग हो सकती है ये बदतरीन औरत? नहीं पता। नहीं पता। नहीं। पहला क्वेश्चन था जहन्नम के कितने दरवाजे हैं? जहन्नम के जी 7 दरवाजे हैं। 7 दरवाजे। और आपने बदतरीन औरत वो है जो अपने शोहर की फरमाबरदारी नहीं करती, वो बदतरीन औरत। माशाल्लाह, पहला बंदा जिसने सही जवाब दिया, जजाक अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तीसरे आदमी है जो सही जवाब दे रहे हैं। अच्छा, तो सबसे खुश नसीब औरत कौन सी है? नसीब। मुश्किल क्वेश्चन कर लिया आपने। सोच लें कोई बात। सबसे जो अपने खावन की खिदमत करे। हाँ, कुछ कुछ है जो अपने खावंद की फरमा बरदारी करती है, वो फरमा खुश नसीब औरत है। शुक्रिया आप साहब, जजाकल्लाह। बरमा। ओके, मेहरबानी मेहरबानी। जी, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस, जो कुछ हमने पूछे। कुछ आप साहब थे, कुछ वैसे नॉलेज के लिए, किसी को हमने नॉलेज दी या किसी से गेन किया है। और जैसा कि आपने देखा, हमने पहला क्वेश्चन किया जहन्नम के कितने दरवाजे हैं, जहन्नम के जी 7 दरवाजे हैं, और सबसे खुश नसीब औरत कौन सी है? हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे खुश नसीब औरत वो है जो अपने शोहर की फरमाबरदारी करती है। जी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।